So in the last class, we have discussed the life cycle of Servlet. Okay. This class is going to be pretty much three again, but we will try to make it more interacting with some quizzes as well. So what this diagram actually says, try to relate it with the life cycle of Servlet. मैंने बगल में life cycle का वही जो आपका image थी जो लाइफ साइकिल को शो कर रही है जिसमें इनिट है फिर एक बक्से में गोल आपको सर्वलेट में सर्विस मेथड बार बार इनबुक होते दिख रहा है फिर उसके बाद फिर डिस्ट्रॉय मेथड है ठीक है तीन मेथड्स आपको बताए थे इनिट सर्विस एंड डिस्ट्रॉय जो सर्वलेट की लाइफ साइकिल के साथ एसोसिएटेड है राइट तो वो साइड में मैंने लगा रखा है उससे जो लेफ्ट साइड में जो पिक्चर है उससे राइट साइड की पिक्चर का में क्या रिलेशन आपको समझ में आ रहा है वो थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं तो मतलब ले देखिए कहानी ये है कि अगर आपने जब पहली बार रिक्वेस्ट भेजा है ठीक है सर्वलेट को सर्वलेट अभी तक ऑब्जेक्ट भी नहीं बना है ठीक है तो उस वक्त तक कुछ भी नहीं था ठीक है कंस्ट्रक्टर रन हुआ तब वो ऑब्जेक्ट जाके बना लेकिन सर्वलेट अभी भी नहीं बना जब इनिट मेथड रन हो जाएगा सर्वलेट का तब जाके वो सर्वलेट बनेगा एक्चुअली और फिर ले देके फिर एक ही स्टेट बनता है इनिशियलाइज स्टेट जो कि इंपॉर्टेंस का है एक बार इनिशियलाइज हो गया उसके बाद जितनी भी रिक्वेस्ट आएंगी फिर ना तो कंस्ट्रक्टर रन होगा ना तो इनिट मेथड रन होगा हर बार फिर सर्विस मेथड बार बार रन होता रहेगा क्लियर है सर्विस मेथड को इन्वोक कौन कर रहा है सर्विस मेथड इज अ मेथड राइट समवन हैज टू कॉल द मेथड इसका ऑब्जेक्ट तो बन गया ऑब्जेक्ट बनने के बाद डॉट सर्विस कॉल करना पड़ेगा उसमें एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट का एक रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट भेजना पड़ेगा एक एचटीटीपी सर्वलेट रिस्पांस का एक रिस्पांस ऑब्जेक्ट भेजना पड़ेगा ठीक है तो ये कौन कर रहा है सर्विस को कॉल करने का काम कौन कर रहा है कंटेनर कर रहा है क्योंकि कंटेनर ही इसका ऑब्जेक्ट बना रहा है राइट उसके बाद इसके ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है तो वही इस मेथड को कॉल कर रहा है राइट तो कंटेनर को मालूम है कि ये जो रिक्वेस्ट आ रही है सर्वलेट के ऑब्जेक्ट बनने के बाद पहली रिक्वेस्ट है या सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट है क्योंकि इनिट तो सिर्फ एक बार रन होना है ना तो अब कंटेनर क्या कर रहा है बार बार उसके सर्विस मेथड को हर सेपरेट रिक्वेस्ट के लिए कॉल करता जा रहा है हर सेपरेट रिक्वेस्ट के लिए अलग रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट बना करके सर्विस मेथड में पास कर दे रहा है राइट अब सर्विस मेथड का काम क्या था नहीं थ्रेड तो बन चुका है सर्विस मेथड नए थ्रेड में ही चल रहा है पिछली क्लास में डिस्कस किया था हमने कि सर्विस मेथड सिर्फ इतना ही करता है कि उसमें बहुत सारे इफेल्स हैं राइट और वो इफेल्स कंडीशंस चेक ये करते हैं कि जो मेथड क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है अगर वो गेट मेथड है तो आपके सर्वलेट में डूगेट मेथड की इम्प्लीमेंटेशन को वो कॉल कर दे ठीक है कॉल कैसे करेगा डूगेट मेथड को कॉल करेगा उसके अंदर वही रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट पास करेगा जो कंटेनर ने उसको दिया है ठीक है अगर मेथड क्लाइंट के पास से मेथड इज इक्वल टू पोस्ट आ रहा है मेथड आप कहां स्पेसिफाई करते हैं क्लाइंट में क्लाइंट का मतलब जो फॉर्म जिसको क्लाइंट सेंड कर रहा है ना ब्राउजर जिसको इंटरप्रेट कर रहा है वो एचटीएमएल फॉर्म उसमें मेथड इज इक्वल टू पोस्ट मेथड इज इक्वल टू गेट मेथड इज इक्वल टू पुट कुछ आपने लिखा होगा तो जो भी मेथड लिख रखा है सर्विस मेथड सिर्फ इतना करता है कि उसको चेक करता है कि कौन सी मेथड के लिए रिक्वेस्ट आ रही है और डिपेंडिंग अपॉन उसका करस्पॉन्डिंग डू मेथड कॉल कर लेता है जो कि एचटीटीपी मेथड इंप्लीमेंटेशन है आपके सर्वलेट के अंदर राइट और उसमें रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट पास कर देता है ठीक है ये साइकिल चलती रहती है राइट ठीक है फाइनली क्या होता है कि जब आपने एप्लीकेशन को अनडिप्लॉय किया या सर्वलेट को चेंज करके सर्वलेट को फिर से आपने दूसरा क्लास में कुछ चेंजेस कर दिए फिर सर्वलेट को मतलब उसने अप किया तो उस कंडीशन में पुराना ऑब्जेक्ट आपका डिस्ट्रॉय होगा पुराना ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने से पहले यानी गार्बेज कलेक्ट होगा उससे पहले क्या होगा जो इनिट मेथड में जो रिसोर्सेज आपने लिए थे उन सब चीज को डिस्ट्रॉय मेथड में रिलीज करेंगे आप ठीक है तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना ये जो लाइन आ रही है
ये लाइन मैंने इस इंडिकेशन के लिए यहाँ पे पर्पसफुली डाल दिया है कि इससे पहले जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ सर्वलेट लाइफ साइकिल में सिर्फ एक बार होगा और फर्स्ट रिक्वेस्ट पर होगा, ठीक है। उसके बाद हमेशा सर्विस मेथड कॉल होता रहेगा, क्लियर है। बाय द वे सर्विस मेथड डिफाइंड कहाँ पे है, इसका डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे है, इंटरफेस में तो उसके सिग्नेचर डिफाइंड है, राइट। इंप्लीमेंटेशन पूछ रहा हूँ मैं, सर्विस मेथड का HTTP सर्वलेट क्लास में, राइट। HTTP सर्वलेट क्लास में जिसको आप एक्सटेंड करते हैं अपनी क्लास से, राइट। उसमें सर्विस का ये डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेशन है, मौजूद है, जो ये चेक करता है कौन सा आपका मेथड कॉल करना है, डू गेट करना है, डू पोस्ट करना है, कौन से नेक्स्ट मेथड को कंट्रोल भेजना है, ठीक है, क्लियर है। तो इसी को ज्यादा ऑब्वियस करने के लिए और समझने में आसान करने के लिए इसको कैटेगराइज कर दिया गया है तीन क्वेश्चंस में। द थ्री बिग मोमेंट्स ऑफ द सर्वलेट लाइफ साइकिल आर इनिट, सर्विस एंड डिस्ट्रॉय ऑफ कोर्स, बट हमारे बिजनेस लॉजिक के हिसाब से मैंने यहाँ डू गेट और डू पोस्ट डाल दिया है, ठीक है। यहाँ पे एक डिस्ट्रॉय भी मुझे ऐड कर देना चाहिए, है ना। तो आप समझ लीजिए इनिट स्लैश डिस्ट्रॉय है, तो जो कुछ इनिट के लिए वैलिड है वो सारी चीज डिस्ट्रॉय के लिए भी अप्लीकेबल होगी। So when this init method is called, the answer is the container calls the init before the servlet can service any client request, and that happens on the first invocation. ठीक है, clear है? Slide share कर दूँगा मैं, don't worry. आप बस समझने की कोशिश करिए, slide में share कर दूँगा, बल्कि आज ही share कर दूँगा, ठीक है? So what init method is for? To initialize your servlet before handling any client request. ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो कंस्ट्रक्टर में जो इनिशियलाइजेशन करते हैं इनिट में, उसके इनिशियलाइजेशन का जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो सर्वलेट के बिहेवियर को एड ऑन करने के लिए होता है, ठीक है। क्या है आगे वो देखेंगे, अभी उस पर डिस्कस नहीं किया है मैंने, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आगे देखेंगे इसका। डू यू ओवरराइड इट, पॉसिबली, दैट मीन्स इफ यू चूज टू ओवरराइड इट, यू विल ओवरराइड इट इन विच क्लास, अगर आप ओवरराइड कर रहे हैं तो किस क्लास में ओवरराइड करेंगे उसको, एचटीटीपी सर्वलेट तो जावा आपको दे रहा है ना, जावा पैकेज के अंदर डिफाइन है, राइट। आप जो सर्वलेट बना रहे हैं उसमें करेंगे ना, फॉर एग्जांपल माय लॉगिन सर्वलेट आपने बनाया, विच एक्सटेंड्स एचटीटीपी सर्वलेट, राइट। तो आप माय लॉगिन सर्वलेट के अंदर इनिट मेथड का एक ओवररिटन वर्जन प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। और इसका जो इसके पुराने डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेशन को ओवरराइड कर देगा, ठीक है। एक डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेशन इनिट का मौजूद है, सिमिलरली सेम गोज फॉर द डिस्ट्रॉय, ठीक है। यानी अपनी क्लास के अंदर आप इनिट और डिस्ट्रॉय मेथड का इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर देंगे अगर आपको जरूरत है तो, ठीक है। अभी तक मैंने ये करके दिखाया नहीं है, करके दिखाऊंगा आगे, ठीक है। तो देयर इज अ वेरी मच पॉसिबिलिटी दैट यू मे नीड टू ओवरराइड बोथ इनिट एंड डिस्ट्रॉय मेथड, ठीक है। इसका मतलब आपको इनिट और डिस्ट्रॉय मेथड की इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करने की जरूरत पड़ सकती है। हाउ अबाउट सर्विस मेथड, सर्विस मेथड इज कॉल्ड व्हेन अ न्यू रिक्वेस्ट फॉर द सर्वलेट कम्स इन, वो साइकिल में था सर्विस मेथड, तो जितनी बार नए रिक्वेस्ट आएंगे उतनी बार सर्विस मेथड कॉल होगा, है ना। और जितनी बार सर्विस मेथड कॉल होगा कोई ना कोई एक एचटीटीपी मेथड कॉल होगा, चाहे डूगेट कॉल हो या डू पोस्ट कॉल हो या डू पुट कॉल हो या एनी ऑफ द एचटीटीपी मेथड्स, कोई ना कोई कॉल होगा। सर्विस मेथड इज फॉर डिटरमाइनिंग Which HTTP method should be called? बताया आपको उसके अंदर जो कोड होता है वो सिर्फ यही चेक करता है ना। जो लेक्चर वीडियो मैंने अपलोड किया है उसके अंदर ये चीज कोड भी मैंने दिखा रखा है खोल करके, उसको देखिएगा। So do you override it? No. Technically आप override कर सकते हैं क्योंकि सर्विस मेथड इट्स अ मेथड, ठीक है, इट्स जस्ट अ मेथड। नथिंग स्टॉप्स यू फ्रॉम ओवरराइडिंग अ मेथड विच इज डिफाइंड इन द पेरेंट क्लास और इन द क्लास हायरार्की ऑफ द पेरेंट क्लास, ठीक है, बात सही है ना भाई। एक मेथड डिफाइंड है किसी भी क्लास में ऊपर के, आप उसको ओवरराइड करना चाहे, नई डिफिनेशन देना चाहे दे सकते हैं, लेकिन अगर आप नई डिफिनेशन देंगे तो क्या होगा, कौन आप उसके डिफॉल्ट नहीं एरर ही आएगी, आप उसके डिफॉल्ट बिहेवियर को चेंज कर देंगे। उसका डिफॉल्ट बिहेवियर चेक करना था भाई किस मेथड को आगे कंट्रोल भेजना है, आप उसको अगर चेंज कर देंगे तो फिर जिस तरह उसको काम करना चाहिए उस तरह वो काम नहीं करेगा। तो इसलिए इनिट मेथड डिस्ट्रॉय मेथड तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप उसको ओवरराइड करें,
कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते, जरूरत नहीं है तो नहीं करेंगे। अभी तक मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिखा उसमें नहीं कर रखा है, अगर एग्जाम्पल दिखाऊंगा उसमें करूंगा भी, ठीक है, जहां वो सेंस बनाएगा वहां पे करेंगे हम, राइट। लेकिन ये बहुत कम, ये इसकी कोई कोई मतलब गुंजाइश नहीं है कि आपको करना नहीं चाहिए, बल्कि ऐसा कि सर्विस मेथड को आप रीडिफाइन करें या ओवरराइड करें, ठीक है। सर्विस मेथड को ओवरराइड आपको नहीं करना चाहिए। डू गेट मेथड को सर्विस मेथड कॉल करता है, ठीक है, ये डू पोस्ट मेथड को सर्विस मेथड कॉल करता है फॉर हैंडलिंग द बिजनेस लॉजिक। तो ये जो डू गेट या डू पोस्ट मेथड्स होते हैं या दूसरे एचटीटीपी मेथड्स होते हैं, इसमें एक्चुअली आप अपनी बिजनेस लॉजिक जो आप करना चाहते हैं काम, ठीक है, किसी कोई एचटीएमएल पेज जनरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए डू गेट या डू पोस्ट यूज करेंगे, ठीक है, कोई फाइल को अपलोड करना चाहते हैं तो डू पोस्ट यूज करेंगे उसके लिए, ठीक है। इस तरह और भी बहुत सारे मेथड्स हैं। तो जो भी आपको बिजनेस लॉजिक परफॉर्म करनी है वो बिजनेस लॉजिक इन्हीं मेथड्स के अंदर आप लिखेंगे, ये आपकी बिजनेस लॉजिक के लिखने का की जगह है, ठीक है। Do you override it? Of course, at least one of the HTTP methods. कम से कम एक HTTP methods का implementation तो आपको provide करना ही चाहिए, ठीक है। अगर आपका method is equal to get है तो कम से कम doGet का provide करें। अगर method client के पास से post आ रहा है तो आप doPost का provide करें, चाहे तो एक से ज़्यादा का भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम एक का तो आपको implementation प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि आप सर्वलेट बना ही रहे हैं अपने बिजनेस लॉजिक को लिखने के लिए, और इम्प्लीमेंटेशन अगर आप प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप बिजनेस लॉजिक कुछ लिख ही नहीं रहे, राइट। तो फिर सर्वलेट बनाने का कोई पर्पज ही नहीं रहा है ना। तो किसी ना किसी एक मेथड का इम्प्लीमेंटेशन तो आप प्रोवाइड करेंगे। बाय द वे, अगर आपने किसी भी मेथड का इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड नहीं किया तो उस कंडीशन में क्या होगा? 405 क्या था? 405 मेथड नॉट सपोर्ट, राइट। वो कहाँ से आएगा? आपको एरर कोड मिलेगी 405 मेथड नॉट सपोर्टेड, क्योंकि क्लाइंट तो कोई ना कोई मेथड भेजेगा। अगर क्लाइंट के एचटीएमएल फॉर्म में कोई मेथड स्पेसिफाइड नहीं है, मेथड इज इक्वल टू समथिंग स्पेसिफाइड नहीं है फॉर्म एक्शन में, तो उसका मतलब डिफॉल्ट क्या होगा? डिफॉल्ट एचटीएमएल के लिए गेट है, गेट है एचटीएमएल के लिए गेट है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। हर फ्रेमवर्क, अगर कोई और फ्रेमवर्क आप यूज कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ और हो सकता है, HTML के लिए हालांकि गेट है, तो बाय डिफॉल्ट गेट तो आना ही आना है, तो आपको 405 मिलेगा, यानी मेथड नॉट सपोर्टेड। ये मेथड सपोर्टेड नहीं है क्योंकि आपने डूगेट मेथड वहां पर स्पेसिफाई नहीं कर रखा है, राइट। ये जो मैसेज आपको मिल रहा है, एरर कोड जो मिल रहा है, ये कहां से मिल रहा है? आपको दिखाया था मैंने HTTP सर्वलेट क्लास के अंदर डूगेट डू पोस्ट डू पुट जितने भी HTTP मेथड्स हैं सबका एक डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर रखा है। इसका काम ही यही है कि अगर आपने नहीं प्रोवाइड कर रखा है तो फिर सर्विस तो कॉल फॉरवर्ड करेगा उस डू मेथड पर, तो वो डू मेथड कौन सा होगा? वो HTTP सर्वलेट क्लास के अंदर जो डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन है वो वाला रन हो जाएगा, उसके अंदर से 405 का एक HTML पेज बन करके आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। क्लियर हो रहा है? देखिए, बेसिक जावा अगर पता है तभी आप समझ पाएंगे कि भाई ओवरराइडिंग क्या होती है, इनहेरिट क्या आपने कर रखा है, ये सब तो पता होना चाहिए ना आपको, ठीक है। अगर सच में बेसिक जावा कमजोर है तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि सबसे पहले आप जो काम करें जितनी जल्दी हो सके वो कोर जावा वाले ग्रुप में जाकर के उसको अच्छे से पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है, क्योंकि वरना आगे की चीजें बिल्डअप नहीं होंगी। क्लियर है ये स्लाइड? आगे बढ़े। So let's have a quiz. The first question is, in which file do we define a servlet mapping? Web.xml को deployment descriptor भी कहते हैं, ठीक है, deployment descriptor of a web application, ठीक है। जो deployment descriptor term है ये बहुत एक common term है। वेब एप्लीकेशन की जब बात करें और जावा स्पेसिफिक वेब एप्लीकेशन की बात करें तो web.xml वो फाइल है जो डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर का काम करती है। नाम क्या बता रहा है? डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर, जो डिप्लॉयमेंट को डिस्क्राइब करे, है ना। इसी में तो आप बताते हैं कि अगर हम अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर रखा है और URL में किसी रिसोर्स का नाम नहीं दे रहे हैं तो वेलकम फाइल लिस्ट में देखो index.html या कौन सी फाइल लिस्टेड है, उनमें से कोई फाइल अगर वेब कंटेंट फोल्डर के अंदर मैंने डाल रखी है तो उसको रन कर दो। बताते हैं ना,
इसी में आप बताते हैं कि डिप्लॉयमेंट के टाइम पे जो सर्वलेट में यूआरएल पैटर्न जो आ रहा है डायनेमिक रिसोर्स के लिए, वो सर्वलेट की मैपिंग एक्चुअली किस फुली क्वालिफाइड नाम से, किस क्लास से मैप्ड है, वेब डॉट एक्सएमएल के अंदर बताते हैं। तो ये सारे डिप्लॉयमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन है जो आप कंटेनर को बताते हैं। बेसिकली कंटेनर इसको लुकअप करता है, ठीक है, कंटेनर इसको देखता है। तो जो भी चीजें डिप्लॉयमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन देती हैं उनको डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर कहते हैं। दिस इज द वेब डॉट एक्सएमएल इज अ डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर फॉर वेब एप्लीकेशन बेस्ड ऑन जावा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं कहूं कि मैं कोई जेई एप्लीकेशन बना रहा हूं, यानी एंटरप्राइज एप्लीकेशन बना रहा हूं, जो डॉट ई आर होगी, ये तो वार बनती है, वेब एप्लीकेशन डॉट वार फाइल बनती है, राइट, जो डिप्लॉय करके दिखाया था आपको। अगर मैं एंटरप्राइज एप्लीकेशन बनाऊ कंप्लीट, तो ई ए आर फाइल बनेगी, ई ए आर एंटरप्राइज आर्काइव फाइल। तो उसके अंदर जो डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर होगा उसका कुछ और नाम होगा, वो भी एक्सएमएल फाइल होगी लेकिन उसका कुछ और नाम होगा, ठीक है। अगर मैं कोई फ्रेमवर्क यूज कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं स्टेप अहेड जा रहा हूँ, बस इतना समझिए कि अगर मैं कोई फ्रेमवर्क इस्तेमाल कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं स्ट्रक्स फ्रेमवर्क इस्तेमाल कर रहा हूँ। फ्रेमवर्क का काम क्या होता है कि वो बहुत सारी चीज़ों को ऑटोमेट कर देता है आपका, बहुत सारी चीज़ों को आसान कर देता है डेवलपमेंट आपका, ठीक है। तो उसमें लेकिन वो भी वेब एप्लीकेशन ही बना रहा है जावा का, तो उसमें डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर दो तरह की होंगी, एक तो वेब डॉट एक्सएमएल ऑलरेडी होगी, ठीक है, और साथ में स्ट्रक्स फ्रेमवर्क अपना डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर भी आपको देगा। तो जब डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर टर्म मैं यूज कर रहा हूँ तो इट्स अ वेरी वेरी कॉमन टर्म, और फिर जिस कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ उस कंटेक्स्ट से आपको समझना पड़ेगा किस चीज का डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर है, ठीक है, क्लियर हो गई बात, ठीक है। अच्छा, द क्वेश्चन नंबर टू, द वेब सर्वर दैट एक्सेक्यूट्स द सर्वलेट क्रिएट्स डैश एंड डैश मींस टू ऑब्जेक्ट्स दैट आर पास्ड टू द सर्वलेट सर्विस मेथड एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट एंड एचटीटीपी सर्वलेट रिस्पॉन्स। ये दो ऑब्जेक्ट कौन बनाता है, वेब सर्वर बनाता है, यानी आप कंटेनर टॉप कैट है यहाँ पे वो बना रहा है, ठीक है, और वो सर्विस मेथड को पास करता है। सर्विस मेथड को किसको पास करता है आगे, एचटीटीपी मेथड्स को, जो भी एचटीटीपी मेथड्स आपके कॉल करने हैं जिसके लिए रिक्वेस्ट आ रही है। विच इज द सर्विस मेथड अ सर्वलेट डेवलपर शुड यूज टू रिट्राइव फॉर्म डाटा फ्रॉम द क्लाइंट, विच इज द मेथड अ सर्वलेट डेवलपर शुड यूज टू रिट्राइव फॉर्म डाटा फ्रॉम द क्लाइंट, गेट पैरामीटर। गेट पैरामीटर के अंदर क्या पास करना होगा आपको, नेम ऑफ द फील्ड जो कि आपने एचटीएमएल फाइल के अंदर डिफाइन कर रखी है, राइट। और गेट पैरामीटर मेथड जो कॉल कर रहे हैं वो किस ऑब्जेक्ट पे कॉल कर रहे हैं, किस टाइप के ऑब्जेक्ट पे कॉल कर रहे हैं, रिक्वेस्ट इज द नेम ऑफ द रेफरेंस वेरिएबल व्हिच इज ऑफ द टाइप एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट, जो आपको गेट डू गेट में एज अ पैरामीटर मिल रहा है, राइट। से ट्रू और फॉल्स, सर्वलेट्स आर इंस्टेंशिएटेड एवरी टाइम अ रिक्वेस्ट इज मेड, फॉल्स। सर्वलेट एक बार सिर्फ इंस्टेंशिएट होता है, इंस्टेंशिएट मतलब ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है, एक बार सिर्फ बनता है और हर बार उसका थ्रेड में सर्विस मेथड रन करता है। तो ये आप देखेंगे कि ऊपर तो क्विज है, नीचे इसके आंसर भी लिख रखे हैं, मैं आपको शेयर करूंगा तो आंसर भी यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आपको लैब में करनी है, पहली दो एक्सरसाइज आपको बता रखी थी कि एक स्टैटिक पेजेस को यूज करके डायनेमिक वेब एप्लीकेशन बनाना है जिसमें सिर्फ स्टैटिक पेजेस हो, फिर एक उसमें सर्वलेट ऐड करके उसको डायनेमिक बिहेवियर ऐड करना है, ये दो अलग अलग एक्सरसाइज थी, राइट। थर्ड एक्सरसाइज जो है वो ये है आपके लिए, इसको चाहिए तो नोट डाउन कर लीजिए या तो फोटो खींच लीजिए, ठीक है। ये आपको अपने अटेम्प्ट करनी है, कोई डिफिकल्टी आएगी तो उसके लिए आप मेरे पास आ सकते हैं, जहां फंसेंगे वहां पे आ सकते हैं। तो करना क्या है, आपको एक एचटीएमएल फाइल बनानी है जो कि नेम को, मतलब यूजर के नेम को और उसके इंटरेस्ट को लेगा एज अ फॉर्म पैरामीटर, ठीक है, मतलब एक फॉर्म है जिसमें नेम फील्ड नजर आएगी और इंटरेस्ट फील्ड नजर आएगी। इंटरेस्ट को आपको जो लेना है वो चेकबॉक्स के फॉर्म में लेना है, यानी एक फील्ड के अंदर चार चेकबॉक्स बने हो जिसमें जैसे रीडिंग राइटिंग स्पोर्ट्स एंड प्रोग्रामिंग चार है, वो एक को भी चूज कर सकता है, दो को भी चूज कर सकता है, चारों को चूज कर सकता है या चारों एम्प्टी छोड़ सकता है,
ठीक है, ये सारी कंडीशन आपको टेस्टिंग के दिमाग में रखने हैं, ठीक है, हर चीज के लिए उसको काम करना चाहिए। अगर मैंने एक भी चेक नहीं किया तो भी वहां पे मुझे बताना चाहिए कि तुमने कोई भी इंटरेस्ट चूज नहीं किया है ना, तुम्हारा यूजर नेम ये है लेकिन तुमने कोई इंटरेस्ट चूज नहीं किया है। अगर मैंने एक किया है तो एक बताए, चार किया है तो चारों बताए एक लिस्ट में, ठीक है। फिर आपको क्या करना है कि सर्वलेट लिखना है जो कि इनफॉर्म पैरामीटर्स को रीड करके उन्हीं को मतलब बेसिकली एक लिस्ट में टेबल में टेबल के फॉर्म में डिस्प्ले कर दे, मतलब फॉर्म सबमिट करें और जो कुछ आपने सबमिट किया है वही चीज रिस्पॉन्स में आप कलेक्ट करेंगे, ठीक है, क्लियर हो रहा है। अच्छा, इसमें एक चीज और ऐड कर दीजिएगा, एक फील्ड एज ऐड कर दीजिएगा, ऐड कर लीजिए क्वेश्चन उसमें, जैसे नेम एक फील्ड है ना वैसे एक फील्ड एज ऐड कर दीजिएगा, ठीक है, और उसमें कंडीशन चेक करिएगा, इफ एज इज ग्रेटर देन 20 यू आर मैसेज प्रिंट हो रिस्पॉन्स पेज में यू आर एलिजिबल फॉर गेटिंग एडमिशन टू द स्पोर्ट्स क्लब, टू द स्पोर्ट्स क्लब, इफ एज इज ग्रेटर देन 20 यू आर एलिजिबल टू गेट एडमिशन, अगर एज उसके 20 है तो मैसेज क्या प्रिंट हो, यू आर एलिजिबल टू गेट एडमिशन टू द स्पोर्ट्स क्लब, अदरवाइज क्या प्रिंट हो, यू आर नॉट एलिजिबल टू गेट एडमिशन टू द स्पोर्ट्स क्लब, योर एज इज लेस देन 20, ठीक है, ये मैसेज साथ में प्रिंट हो। ये पर्पजली मैं डाल रहा हूँ क्योंकि जब आप करेंगे इसको तो आप देखेंगे थोड़ी सी कहीं पे फंसेगी चीज, ठीक है, हो जाएगा, आगे बढ़े। इससे पहले एक बार हमने HTTP मेथड्स पे डिस्कशन किया है और करता ही आ रहा है थोड़ा थोड़ा, तो गेट और पोस्ट के बारे में जो डिफरेंसेस हैं वो अब डिटेल में थोड़ा देखते हैं। गेट मेथड और पोस्ट मेथड दोनों काम वही करते हैं, मतलब आपने रिक्वेस्ट भेजा और किसी रिस्पांस को रिसोर्स को फेच करने का काम, राइट, रिसोर्स जो हो सकता है वो स्टैटिक भी हो सकता है वो डायनेमिक भी हो सकता है, ठीक है। तो गेट मेथड डाटा है इज सेंट इन द URL सो इट इज एक्सपोज्ड, आप जब देखते हैं कि अगर मेथड इज इक्वल टू गेट कर रखा है तो फॉर्म को जब सबमिट करेंगे तो URL के बाद एक क्वेश्चन मार्क आएगा, उसमें फिर जो फॉर्म पैरामीटर थे वो ampersand से डिस्टिंग्विश होकर के नेम वैल्यू पेयर में आपको नजर आएंगे, नेम की जगह जो फील्ड में आपका नाम जो आपने एस्टिमेट फॉर्म में स्पेसिफाई कर रखा है वो आएगा, वैल्यू में जो वैल्यू इंटर कर रखी वो आएगी, ठीक है। इन पोस्ट मेथड द डाटा इज सेंट इन द बॉडी ऑफ द HTTP सो इट इज सेफ फॉर क्रेडेंशियल्स, पोस्ट मेथड में ब्राउजर पे नजर भी नहीं आता है URL बार में, और रीजन क्या है उसका कि जो पोस्ट का डाटा होता है वो बॉडी में HTTP की बॉडी में सेंड होता है, यानी गेट का हेडर में सेंड होता था, राइट, गेट का एक्सपोज था और वो हेडर में सेंड होता था, पोस्ट का एक्सपोज नहीं है और वो HTTP रिक्वेस्ट के बॉडी में जा रही है, सो इट इज सेफ फॉर क्रेडेंशियल्स, जैसे यूजर नेम पासवर्ड आप इंटर कर रहे हैं आप, तो उसके लिए सेफ है। सेकेंड पॉइंट इज देयर इज अ नंबर ऑफ कैरेक्टर रिस्ट्रिक्शंस इन द URL, टिपिकली इट डिपेंड्स अपॉन द ब्राउजर बट टिपिकली इट इज समवेयर अराउंड 255 कैरेक्टर्स, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये ब्राउजर टू ब्राउजर वेरी करता है। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर का रिस्ट्रिक्शन होता है URL कितनी लंबा URL आपको जा सकता है, ठीक है, तो नंबर ऑफ URL जितनी लाइन जितना बड़ा URL होगा उसमें उसी में तो ऐड होगा आपका पैरामीटर लिस्ट भी, तो अगर आप गेट से भेज रहे हैं तो ये अगर बहुत बड़ा फॉर्म है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे आप, गेट को URL ऑल दो उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी आपको सिक्योरिटी की जरूरत है, वो एक्सपोज हो रहा है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है बट लेकिन फॉर्म बहुत बड़ा है तो कैरेक्टर नंबर ऑफ कैरेक्टर का रिस्ट्रिक्शन अप्लाई होगा, उस कंडीशन में गेट इज नॉट गुड टू गो विथ। पोस्ट के कंडीशन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कंटेंट साइज में, क्योंकि पोस्ट में जो कुछ जा रहा है वो फॉर्म का पैरामीटर किस में जा रहा है, बॉडी में जा रहा है, और बॉडी के साइज से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, ठीक है। विद गेट यू कैन बुक मार्क द पेज, विद पोस्ट यू कैन नॉट बुक मार्क द पेज, कई बार आपको जरूरत होती है कि जिस पेज पे आपने नेविगेट किया उसको बुक मार्क करें, फॉर एग्जाम्पल एक वेबसाइट है जो जैसे ओरिलीज की वेबसाइट है, ठीक है, आप पार्टिकुलर बुक को पढ़ रहे हैं तो जब आपने बुक को रिक्वेस्ट किया था बुक में बुक का नाम चैप्टर वगैरह ये सब ऐसा फॉर्म पैरामीटर गया होगा, ठीक है, तो अगर आप उसको गेट मेथड उसको यूज हो रखा है तभी आप उसको बुकमार्क कर सकते हैं, क्योंकि बुकमार्क को अगर आप खोल के देखें तो देखेंगे पूरा का पूरा URL वहां लिस्टेड होता है,
हाँ पूरा होता है, उसमें सब कुछ रहेगा, चाहे वो फॉर्म पैरामीटर हो चाहे कुछ भी हो, तो फॉर्म पैरामीटर की भी वहां जरूरत होती है। पोस्ट में फॉर्म पैरामीटर यूआरएल का पार्ट बनकर नहीं जाता है ना। तो ब्राउजर क्या है, पूरी की पूरी रिक्वेस्ट को तो सेव नहीं करेगा ना, ब्राउजर बुकमार्क करेगा, इसका मतलब वो सिर्फ यूआरएल को सेव करेगा। तो अगर आप बुकमार्क करना चाहते हैं तो यूआरएल में वो सारे फॉर्म पैरामीटर्स भी होने चाहिए, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा पेज है जिसको आप डेवलप कर रहे हैं जिसमें बुकमार्क की फंक्शनलिटी आप यूजर को देना चाहते हैं, तो ध्यान रखें उसके लिए मेथड इज इक्वल टू अपडेट देंगे, ठीक है। विद पोस्ट यू कैन नॉट बुकमार्क द पेज। इफ मेथड इज नॉट मेंशन इन एचटीएमएल फॉर्म टैग, गेट इज द डिफॉल्ट मेथड, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, ठीक है। तो ये एक्चुअली स्नैपशॉट है जो एक छोटा लिमिटेड व्यू दिखा रहा है आपका गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट का। तो क्या क्या चीजें गेट रिक्वेस्ट में जाती हैं, क्या क्या चीजें पोस्ट रिक्वेस्ट में जाती हैं, उसका एक ओवरव्यू करने के लिए देखिए। सबसे पहले तो गेट रिक्वेस्ट में हेडर के अंदर ही आपकी पूरे का पूरा यूआरएल जा रहा है जिसमें पैरामीटर्स भी दिख रहे हैं आपको, फॉर्म पैरामीटर्स, कलर इज इक्वल टू डार्क एंड टेक्स्ट इज इक्वल टू मल्टी, क्या है ये फॉर्म पैरामीटर्स है, क्वेश्चन मार्क क्या जो भी है, राइट। वही चीज अगर पोस्ट में कंपेयर करें तो वो चीज यूआरएल के साथ नहीं दिख रही है बल्कि बॉडी के अंदर वो अलग से दिख रही है, कलर इज इक्वल टू सबसे नीचे वाइट लाइन, ठीक। सिमिलरली हॉस्ट नेम आपको समझ में आ रहा है, हॉस्ट नेम भी इसमें भी है, पोस्ट में भी हेडर में जा रहा है। यूजर एजेंट है, यूजर एजेंट क्या बता रहा है कि भाई मोजिला आप यूज कर रहे हैं ब्राउजर, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है आपका है। सिमिलरली ये बता रहा है कि आपका ब्राउजर किन किन चीजों को एक्सेप्ट कर सकता है, जैसे टेक्स्ट स्लैश एचटीएमएल एक्सेप्ट कर सकता है, एप्लीकेशन स्लैश एक्सएमएल एक्सेप्ट कर सकता है, सो ऑन, ठीक है। तो ये सारी चीजें कहाँ से मिलती हैं आपको, हेडर से मिलती हैं। कीप अलाइव इज इक्वल टू 300 सेकेंड्स, तो इसका मतलब क्या है, सेशन नहीं है ये ब्राउजर के पास से है, मतलब ब्राउजर ने एक रिक्वेस्ट भेजा। कभी कभी आप देखते होंगे कि पेज की इट इज सर्वर इज टेकिंग टू लॉन्ग टू रिस्पॉन्ड और आपका कनेक्शन टर्मिनेट हो गया है ना, तो क्या होता है कि भाई उसने एक लिमिटेड टाइम ब्राउजर के पास सेट है कि भाई 300 सेकंड से या आई डोंट नो सेकंड से या मिली सेकंड से, हाँ इसमें ये चेक करेगा और चेक करने के बाद ये देखेगा कि इतनी देर तक अगर सर्वर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है इसका मतलब कनेक्शन टर्मिनेट हो जाएगा फिर आपका, ठीक है। कई बार ऐसा होता है सर्वर अगर ओवर बर्डन है तो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है क्योंकि रिक्वेस्ट आपकी क्यू में वहाँ बड़ी वेट करती रहती है, ठीक है, उस कंडीशन में आपका रिक्वेस्ट सर्व नहीं होती है। सिमिलरली रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या रहता है, पहले तो प्रोटोकॉल का नाम रहेगा, जो वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं वो रहेगा, फिर उसके बाद एरर स्टेटस कोड आपका होगा, स्टेटस कोड का एक टेक्स्चुअल वर्जन होगा, फिर कुछ कुकीज वगैरह कुछ चीज़ें आप देख रहे हैं, कंटेंट टाइप देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, राइट। सिमिलरली बॉडी में अगर आपने HTML एम्बेड कर रखा है तो HTML एज अ बॉडी आपके पास रिस्पॉन्स का पार्ट बन के आएगी, ठीक है। बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, आगे धीरे धीरे जैसे जैसे जाएंगे इन चीज़ों को एक एक करके हम देखेंगे। एक मिनट दीजिए मुझे, ठीक है। ये छोटा सा क्विज है, बताइए इसमें आप गेट यूज करेंगे किस कंडीशन में, किस कंडीशन में पोस्ट यूज करेंगे। सो द क्वेश्चन नंबर वन इज अ यूजर इज रिटर्निंग अ लॉगिन नेम एंड पासवर्ड पोस्ट, ठीक है। अ यूजर इज रिक्वेस्टिंग अ न्यू पेज वाया हाइपरलिंक, बहुत सिंपल रिक्वेस्ट है गेट, क्योंकि आप इसको बुकमार्क भी कर सकते हैं, ठीक है। अ चैट रूम यूजर इज सेंडिंग अ रिटन रिस्पॉन्स, कितने लोग गेट कर रहे हैं, कितने लोग पोस्ट कर रहे हैं,
गेट वाले हाथ खड़ा करें पहले, गेट वाले को नहीं है, चैट रूम है जैसे उस पर आप करते हैं फेसबुक चैट वाला जो आता है उस पर चैट कर रहे हैं। अच्छा जो लोग पोस्ट कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? सिक्योरिटी इशू नहीं है, क्रेडेंशियल छोड़ना है यार। नहीं नहीं वो नहीं है, यूआरएल का तो यह मसला ही नहीं है, लेंथ रिस्ट्रिक्शन। आप हो सकता है बहुत बड़ा कोई टेस्ट टाइप कर रहे हो, ठीक है, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर का रिस्ट्रिक्शन गेट में होता है ना, तो यहाँ पे पोस्ट सुटेबल है। अ यूजर सेंड्स अ ह्यूज डाटा फ्रॉम फ्रॉम द सर्वर फॉर्म टू द सर्वर सॉरी पोस्ट फॉर्म बहुत बड़ा है, अगेन कैरेक्टर रिस्ट्रिक्शन इज द रीजन यू हैव टू यूज पोस्ट। अ यूजर वॉन्ट्स टू बुकमार्क अ पेज गेट, ठीक है। तो ये कुछ और HTTP मेथड्स हैं अपार्ट फ्रॉम गेट एंड पोस्ट, जैसे हेड हो गया, पुट हो गया, डिलीट हो गया, ट्रेस हो गया, ऑप्शंस हो गया, कनेक्ट हो गया, ठीक है, इनको डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। स्लाइड्स थोड़ा सा देख लीजिएगा, लेट अस रिवाइज, कुछ रिवीजन स्लाइड्स हैं। HTTP stands for the Hypertext Transfer Protocol and is a network protocol used on the web. It runs on the top of TCP and IP. ठीक है। तो ये जो HTTP methods हैं, get, post, put, delete, ये सब कौन provide कर रहा है आपको? इनका specification HTTP provide कर रहा है। Protocol में इसका specification है, ठीक है। Form में आप बता रहे हैं कि जो request जा रहा है, वो request get method के through जाना चाहिए, serve होना चाहिए, वो form में बता रहे हैं। यानी क्लाइंट साइड पे उसको सपोर्ट दे रहे हैं। सिमिलरली सर्वलेट में आप डूगेट मेथड प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी सर्वलेट साइड पे आप उसका सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन जो स्पेसिफिकेशन है मेथड का वो गेट के पोस्ट है, वो HTTP का पार्ट है। HTTP यूजेस अ रिक्वेस्ट रिस्पांस मॉडल, द क्लाइंट मेक्स HTTP रिक्वेस्ट एंड द वेब सर्वर गिव्स बैक एन HTTP रिस्पांस दैट द ब्राउजर then figures out how to handle depending upon the content of the response. Depending upon the content of the response, content of the response ये जो आप बताते हैं client को, ये किस method के through बताते हैं? Set content type. इस content को क्या कहते हैं? MIME type भी कहते हैं, MIME type. देखिए मैंने यहाँ browser पे इसीलिए खोल रखा है क्योंकि net का कोई भरोसा नहीं होता है। ये देखिए एक लिस्ट जो यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये माइम टाइप है, ये सारे माइम टाइप्स हैं। आप क्या करते हैं? HTML/text भेजते हैं। सिमिलरली ये सारे माइम टाइप्स हैं जो आप चेक कर सकते हैं कंप्लीट लिस्ट की, और ये सारे अलाउड हैं भेजने के लिए, ठीक है। इसी तरह HTTP विकिपीडिया के दोनों पेजेस हैं, HTTP कोड्स भी जो है उनकी भी एक कंप्लीट लिस्ट आपको विकिपीडिया में मिल जाएगी। तो इसको बेसिकली 5 कैटेगरी में डिफाइन कर रखा गया है। 1xx वो सारे के सारे इंफॉर्मेशनल होते हैं, इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए होते हैं। 2xx जब आपका रिक्वेस्ट गया और वो सक्सेसफुल हो गया, जैसे 200 तो एक्सेस की जगह 00 हो गया, 201 हो सकता है, ठीक है, उसका कुछ और मतलब होगा, 202 हो सकता है, उसका कुछ और मतलब होगा। तो अगर 2xx सीरीज के रिस्पांस कोड है, इसका मतलब द रिक्वेस्ट वाज सक्सेसफुल, रिसीव्ड, अंडरस्टूड एंड एक्सेप्टेड, ठीक है, ये कैटेगरीज हैं। 3xx मतलब रिडायरेक्शन, आपने किसी एक रिसोर्स पेज पर रिक्वेस्ट किया है, वो रिडायरेक्ट सर्वर कर रहा है किसी और जगह पर आपको, तो रिडायरेक्ट करने का से रिलेटेड जो कुछ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो 3xx एरर कोड में, रिस्पॉन्स कोड में सॉरी कैप्चर होंगी। सिमिलरली 4xx द रिक्वेस्ट कंटेंस बैड सिंटेक्स, जैसे 401 है आपका, ठीक है, 405 है, ये सारी चीजें जो है क्लाइंट साइड से कुछ मतलब कुछ एक क्लाइंट साइड को एरर इंडिकेट करने के लिए यूज होती है। 5xx सर्वर एरर, इसका मतलब सर्वर जिस एप्लीकेशन को रन कर रहा है उस एप्लीकेशन में कुछ प्रॉब्लम हुई है और सर्वर आपके रिक्वेस्ट को फुलफिल नहीं कर पाया है। नॉर्मली मैपिंग की फाइल, मैपिंग फाइल में कोई अगर आपने कुछ मिस्टेक्स कर रखी हो, या URL जो आपने मेंशन कर रखा है वो URL मैप नहीं है,
तो उन सारे कंडीशन में आपको इंटरनल सर्वर एरर मिलेगी। ठीक है, तो विकिपीडिया पे सर्च करिएगा HTTP स्टेटस कोड, आपको ये पेज नजर आएगा। माय पेज सर्च करिएगा तो ये नजर आएगा। इन दोनों को एज असाइनमेंट पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बाकी चीजें तो उसमें जो आपके लेटेस्ट रिवाइज में आ रहे हैं हमने डिस्कस कर ही रखे हैं। ये ऑब्जर्व द फैक्ट एक एक्सरसाइज है, इसको मैं स्लाइड शेयर कर लूंगा, इसको ट्राई करिएगा घर पर। ठीक है, जो जो स्टेप्स ये कह रहा है वो चीजें ट्राई करिएगा। ठीक है, क्लास हायरार्की अब तक देखा है, आपका सर्वलेट किसको एक्सटेंड करता है? HTTP सर्वलेट को, विच इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास। HTTP सर्वलेट किसको एक्सटेंड करता है? जेनेरिक सर्वलेट को, विच इज अगेन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। जेनेरिक सर्वलेट किसको इंप्लीमेंट करता है? सर्वलेट इंटरफेस को। ठीक है, तो जेनेरिक सर्वलेट का जो मेन काम क्या है कि अगर इफ नॉट ओवररिटन इंप्लीमेंट्स द इनिट मेथड फ्रॉम द सर्वलेट इंटरफेस एंड द डिस्ट्रॉय मेथड एज वेल। ठीक है, अगर आपने अपने सर्वलेट के अंदर, मतलब योर सर्वलेट जो यहाँ भी आपको दिख रहा है, जैसे माई लॉगिन सर्वलेट है, इसके अंदर इनिट और डिस्ट्रॉय मेथड को इंप्लीमेंट नहीं कर रखा है, तो इंप्लीमेंटेशन इसको कहाँ से मिलेगा? जेनेरिक सर्वलेट के अंदर से मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली HTTP सर्वलेट का काम क्या है? इफ नॉट ओवररिडन इंप्लीमेंट द सर्विस मेथड। इनफैक्ट आपको ओवरराइड करना भी नहीं चाहिए सर्विस मेथड को, इसका मेन पर्पज जो है सर्विस मेथड का इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करना है और डिफॉल्ट HTTP मेथड्स का इंप्लीमेंटेशन देना है। आपके सर्वलेट का काम क्या है? वी इंप्लीमेंट द HTTP मेथड्स हियर टू कोड द बिजनेस लॉजिक। क्लियर है? सिमिलरली HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट और HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स दो इंपॉर्टेंट एंटिटीज हैं। ठीक है, अगर आप कोड के अंदर जाकर के देखें तो आपको दिखेगा कि HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट जो है, कंट्रोल दबा के मैं कर रहा हूँ, इट्स एन इंटरफेस, राइट? इट्स एन इंटरफेस एंड इट एक्सटेंड्स अनदर इंटरफेस विच इज सर्वलेट रिक्वेस्ट। ठीक है, अच्छा, इन दोनों ही इंटरफेसेस का पैकेज क्या है? जावा एक्स के अंदर है। ये जावा एक्स सर्वलेट के अंदर है और ये जावाएक्स सर्वलेट डॉट HTTP के अंदर है। ठीक है, ठीक है, जहां HTTP लग गया वहां वो HTTP पैकेज के अंदर चला जाएगा, जहां जेनरिक है वो जावाएक्स सर्वलेट के अंदर है। राइट, क्लियर है? तो ये दोनों क्या है? इंटरफेसेस हैं। इनका इंप्लीमेंटेशन कहां मिलेगा आपको फिर? अगर इंटरफेसेस है तो इनका कोई क्लास इनको इंप्लीमेंट भी कर रहा होगा, तो इंप्लीमेंटेशन कहां मिलेगा? एनी आइडियाज? देखिए, जब मैं इस पे कंट्रोल करके हॉवर कर रहा हूं, कंट्रोल दबा के माउस को हॉवर कर रहा हूं, तो दो चीज दिखा रहा है, ओपन डिक्लेरेशन, ओपन इंप्लीमेंटेशन। डिक्लेरेशन मैंने खोल के दिखा दिया कि दोनों ही डिक्लेरेशन, चाहे HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट का हो चाहे सर्वलेट रिक्वेस्ट क्लास इंटरफेस का हो, दोनों ही जावा एक्स पैकेज के अंदर, यानी जावा वर्ल्ड प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, कहने का मतलब है इसको जावा वर्ल्ड प्रोवाइड कर रहा है। अब मैं इंप्लीमेंटेशन खोल के दिखाता हूँ आपको। इंप्लीमेंटेशन देखेंगे, कोई अलग ही क्लास खुल के आ रही है, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट रैपर क्लास खुल के आ रही है, जो कि सर्वलेट रिक्वेस्ट रैपर को एक्सटेंड कर रही है और ये इंप्लीमेंट कर रही है HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट को, कर रही है ना। इसका पैकेज जरा देखिए, पैकेज यहाँ भी वही यूज कर रहे हैं, जावा एक्स सर्वलेट HTTP, लेकिन यहाँ क्या लिखकर के लाइसेंस टू द अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। सर्वलेट-API जो जार फाइल है उसके अंदर ये क्लास कंपाइल होकर के मौजूद है।
ठीक है। तो अब समझने की बात यह है कि अब तक जितनी भी बातें मैं कर रहा था, सर्वलेट स्पेसिफिकेशन, सर्वलेट स्पेसिफिकेशन, सर्वलेट स्पेसिफिकेशन की जब मैं बात कर रहा हूं, इसका मतलब कि सर्वलेट सिर्फ आपको एक डिजाइन प्रेजेंट कर रहा है इंटरफेसेस के फॉर्म में, ठीक है, या अब्स्ट्रैक्टनेस प्रोवाइड कर रहा है कि भाई अगर रिक्वेस्ट एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट कोई इंटरफेस है, उसका कोई इंप्लीमेंटेशन होगा, तो उससे हम क्या क्या चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गेट पैरामीटर मेथड उसके अंदर होना चाहिए डिफाइंड, जो कि पैरामीटर को रिटर्न करेगा, लेकिन कैसे रिटर्न करेगा, वो इंप्लीमेंटेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है, वो कोई और प्रोवाइड कर रहा है, और वो प्रोवाइड कर रहा है सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर मतलब यहाँ टॉमकैट आपका कंटेनर, क्योंकि सर्वलेट की लाइफ साइकिल को मैनेज कौन कर रहा है, कंटेनर कर रहा है, ठीक है। तो जो आपने लाइब्रेरी ऐड करी थी, एक्चुअली इन सारी क्लासेस का जो इंप्लीमेंटेशन है उस लाइब्रेरी के अंदर मौजूद है, servlet-api, यानी लीफ फोल्डर के अंदर जितने भी टॉमकैट लीफ फोल्डर के अंदर जितनी भी क्लासेस हैं, बेसिकली वो सन के वेब एप्लीकेशन की स्पेसिफिकेशन को इंप्लीमेंटेशन उनका प्रोवाइड कर रहे हैं। आ रही बात समझ में? इसी तरह जब आप डाटाबेस पढ़ेंगे तो आप देखेंगे डाटाबेस में ड्राइवर आप यूज करते हैं, ठीक है। अगर किसी ने डाटाबेस पे काम किया होगा, चाहे MySQL यूज कीजिए, चाहे PostgreSQL यूज कीजिए, चाहे Oracle यूज कीजिए, आपको अपने क्लास पाथ में उसकी ड्राइवर फाइल को डालनी पड़ेगी। ड्राइवर क्लास खुद ही क्या है, जो JDBC का स्पेसिफिकेशन है, जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी, कैसे डाटाबेस से कनेक्ट करें, वो स्पेसिफिकेशन तो जावा वर्ल्ड ने प्रोवाइड कर दिया। अब उसको एक्चुअली उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, ठीक है, उसका जो जो कोड है, डॉट क्लास फाइल्स हैं, वो सारी की सारी वेंडर प्रोवाइड करेगा आपको। जैसे MySQL का है तो MySQL की साइट से आपको वो मिलेगा, या इंस्टॉलेशन पैकेज से मिलेगा, जिसको आपको क्लास पाथ में ऐड करना पड़ेगा। PostgreSQL है तो PostgreSQL के पास से मिलेगा। तो हमेशा स्पेसिफिकेशन में और इम्प्लीमेंटेशन में डिफरेंस रखिए। स्पेसिफिकेशन कोई और बॉडी प्रोवाइड कर रही है यहाँ पर, और इम्प्लीमेंटेशन कोई और प्रोवाइड कर रहा है, ठीक, क्लियर है? चलिए ठीक है।